नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर की रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय छात्र संगठन द्वारा अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय के देवेंद्र पुरुष छात्रावास और कस्तूरबा महाछात्रावास को खोला जाए, साथ ही कोरोना संक्रमण के बाद से सभी छात्रावास बंद होने से छात्रों को काफी दिक्कत हो रही है। विश्वविद्यालय और छात्रावास की बढ़ी हुई फीस को कम करने और जनसंख्याओं में रिक्त प्रवेश सीटों को शीघ्र भरने का छात्र संगठन से ने कुलपति से मांग की है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, अंजोल जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा शिक्षा के गलियारों में, जपा जपा गूंजेगा इंकलाब के नारों से, भारत माता की जय। आज हम सभी छात्रावासी छात्र व छात्र संघ के छात्र, हम अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए कुलपति महोदय को ज्ञापन दिए, जिनमें हमारी मांगे थी। विशेष तौर पे मेन मांगे थी छात्रावास, देवेंद्र छात्रावास व कस्तूरा महिला छात्रावास खुलवाने की मांगे थी। उसके उपरांत दूसरी मांगे जो थी वो विश्वविद्यालय में बढ़ी हुई फीसें, जैसे कि परीक्षा फीस, एडमिशन फीस जिसमें बढ़ोतरी हुई है उसमें कम किया जाए। और तीसरी मांगे जो है, जो अपना यहाँ खेल विभाग, खेल शिक्षण विभाग है, BPED MPED, वहाँ के छात्रों को देवेंद्र छात्रावास में प्रवेश दिया जाए। ये 3 मांगों के लिए हम लोग आज अनशन बैठे हैं। जब तक हम लोगों की मांगें पूरी नहीं हो जाती, अनिश्चितकालीन अनशन चलता रहेगा। सोमदत्त। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।